नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज प्रोजेक्ट में, बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। डिजाइन बनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। मैं डिजाइन इसी के ऊपर बनाऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझें। डिजाइन का पहला लाइन और सामने से हम पहले दो फंदों को छोड़ देंगे, तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और फ्रंट लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, और अब पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर दूसरे फंदे को सीधा। तो ये हमने तीन फंदे बुन लिए। अब फिर हम तीसरे फंदे में पहले सिलाई डालेंगे और पहले इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, और इसे हमने बुन लिया है इसलिए इसे गिरा देंगे। तो तीन फंदे हमने सीधा बुन लिया। इन्हीं तीनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहले तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर पहले को, फिर दूसरे। पहले तीसरे फंदे में सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को सीधा। तो इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहले तीसरा फंदा, फिर पहला फंदा, फिर दूसरा फंदा। और यदि साइड में फंदे बच जा रहे हैं तो उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फंदा हमने पहले बुना था, ये फंदा पहले बुना था, तो ये फंदा और उसके आगे वाले फंदे, ये दोनों फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो दो फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब देखिए, यहाँ से हमने लूप निकाला था, ये फंदा पहले बुना था, तो इसके आगे वाले फंदे से अब हम लूप निकालेंगे, यानी इस फंदे को हम पहले बुनेंगे। तो पहले तीसरा फंदा, फिर पहला फंदा, फिर दूसरा फंदा। ये फंदा हमने बुना था और ये पहले आ गया, तो अब की तीसरी लाइन में ये फंदा दूसरा फंदा होगा, यानी इसके बाद वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे। तो पहले तीसरे फंदे में हम सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में, फिर दूसरे फंदे में। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमने, ये हमारा तीसरा फंदा है जो आगे आ गया है, यानी इसे हमने पहली लाइन में इसे हमने पहले बुना था, तो तीसरी लाइन में ये दूसरा फंदा हो जाएगा, यानी अब कि इसके आगे वाला जो फंदा है उसे हम पहले बुनेंगे, ये हमारा तीसरा फंदा हो जाएगा। तो पहले हम इसे सीधा बुन लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को, और फिर दूसरे वाले फंदे को। ये हमने पहले बुना था,
तो ये हमारा दूसरा फंदा हो जाएगा और इसके बाद वाला फंदा ये तीसरा। तो पहले हम तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे। तीन ही फंदे का डिज़ाइन है, बस हमें ये ध्यान देना है कि तीसरा फंदा पहले कौन सा, तीसरा फंदा कौन सा होगा। तो ये जो हमने पहला फंदा, ये तीसरा फंदा जो आगे आ गया है, ये अब दूसरा फंदा हो जाएगा और इसके बाद वाला फंदा वो तीसरा फंदा हो जाएगा। तो पहले हम इसे बुनेंगे, फिर इसके आगे वाले फंदे को और फिर इस फंदे को। देखिए, पहले इसे बुनेंगे, फिर पहले फंदे को, फिर दूसरे फंदे को। तीन ही फंदे का डिज़ाइन है और इन्हीं तीन फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। और रॉन्ग साइड में, हर रॉन्ग साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो इस लाइन में ये पहला फंदा सीधा बुन दिया जाएगा। और ये देखिए, तीन फंदों में डिज़ाइन बनेगा। पहले ये तीसरा वाला फंदा, यानी ये जो हमारा डिज़ाइन बना है, उसके बाद वाला फंदा पहला हो जाएगा, फिर ये दूसरा और ये डिज़ाइन वाला फंदा तीसरा। इन्हीं तीन फंदों का फिर क्रम चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और पीछे से ऐसा डिजाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।